फ्रेंड कैसे हैं, आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा आपको कि ये मैटर मीन्स जो पदार्थ ही होता क्या है। तो हमारे आसपास के जितने भी वस्तु सामान जो दिखते हैं ना, वो सारी चीज़ क्या है, हमारा मैटर कहलाता है, मतलब पदार्थ कहलाता है। मैटर को हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। और जो भी कोई भी वस्तु आपके आसपास जो आप देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, सारी चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं हमारे कौन कौन से कितने प्रकार के मैटर होते हैं, कैसे हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा मैटर कैसा होता है, क्योंकि मैटर भी बहुत तरीके होते हैं। वैसे आपके सिलेबस में 3 मैटर है, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया। बट बड़ी क्लासों में आपको पढ़ना होगा मैटर का स्टेट हमारा 5 होते हैं, और जो 2 बच रहे हैं वो लास्ट में मैं बताऊंगा कि 2 कौन से हैं एक्स्ट्रा। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज के लिए मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं मैटर इन सराउंडिंग के बारे में, कि जो चैप्टर है सबसे पहले मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर हम किसे बोलते हैं। बट मैंने आपको समझा दिया है, मैटर उसे बोलते हैं जिसे आप टच कर पा रहे, छू पा रहे हैं, जिसको देख पा रहे हैं, वो सारे चीज़ हमारा मैटर कहलाता है। जैसे कि आपको चेयर दिख रहा होगा, आपका फैन दिख रहा होगा, आप खुद देख रहे हो इवन, तो ये सारे क्या है, मैटर कहलाता है। तो चलते हैं समझते हैं, मैटर का डेफिनेशन आ गया है और डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है। रट्टा नहीं मानना, क्योंकि रट्टा मानने वाली चीज़ कुछ टाइम तक याद होता है, हमेशा याद नहीं होता। और हमेशा याद करने के लिए, याद रखने के लिए आपको चीज़ों को समझना है, रट्टा मानना नहीं है। रट्टा मानना हुआ चीज़ आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। पढ़ाई उसे कहते हैं जो चीज़ आप लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ ध्यान में रखे। चलिए, मैटर बातें तो होती रहेगी, तो जानते हैं मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कंसीडर एज मैटर। कहना ये चाह रहा है कि एनीथिंग, कोई भी सामान जो ओकोपाई स्पेस मतलब जगह को घेरे, एंड हैज़ कुछ मास हो, उसमें कुछ वजन हो, उसी को हम क्या मानते हैं भैया, मैटर कहते हैं। भैया कुछ तो समझ में आया कि मैटर एनीथिंग जो जगह को घेरे और उसमें कुछ वजन हो, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। दो चीज़ मैटर का ध्यान रखना, मैटर उसी को बोलेंगे कि जिसमें वो जो सामान है ना, वो जगह को घेरे, और दूसरा क्या है, उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैं तो बताऊं, मैं जगह नहीं घेर रहा हूँ क्या, मेरे में वेट नहीं है क्या, बिल्कुल। आप देखिए, आप में वजन है कि नहीं है, बिल्कुल। आप जगह को घेरते हो कि नहीं घेरते हो, बिल्कुल। तो आप भी क्या हो, बताइए, मैटर है, बिल्कुल सही। यू मैंने बोल दिया, चेयर बताइए, जो आपके घर में चेयर है जिस पर बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो जगह को घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। उसमें वजन है कि नहीं, वजन का मतलब उसमें वेट है कि नहीं। आप एक उंगली से उठा लेते हो क्या, आपका कोई बॉडी बिल्डर है तो हम उठा लेंगे, बट आप एक हाथ से उठाने में भी तो आपका वेट लग रहा है, तो वो भी आपका चेयर भी एक क्या है बाबू, बताइए, मैटर कहलाएगा। एयर, अब कुछ बच्चे कहेंगे एयर कहाँ है भैया, एयर तो जगह घेरता नहीं है, बिल्कुल। आपका एयर भी एक जगह घेरता है। अब कैसे, एग्जाम्पल बताओ, मैं इसका एयर का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को मैंने बताया था इस एक्सपेरिमेंट से। मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में मैंने 20 बैलून लेकर आया, बिटॉट फुला हुआ, मैं उसको फुलाया नहीं, बट मैं कुछ टाइम के बाद उसमें से एक बैलून उठाया और बाकी 19 बैलून को साइड में रख दिया। अब मैं एक को फुलाने की वजह से एक फुलाया और वो पूरा बॉक्स को फुल कर दिया, क्या कर दिया, बॉक्स को फुल कर दिया। अब देखिए इसमें क्या समझ में आ रहा है, बताइए कि पहले जो एयर नहीं था, मतलब बैलून में एयर नहीं था, 20 बैलून एक डब्बे में आ गया था, एक बॉक्स में आ गया था, बट मैंने एक बैलून को फुलाया तो बाकी 19 बैलून नहीं आ पा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने हवा भरते ही
हवा क्या कर रहा है भैया, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। और इसमें मास भी है, मास का मतलब वेट भी है, तो इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, है ना। चलिए, तो यहाँ रिवर जो भी आपको दिख रहा है, लाइट वुड जो दिख रहा है, सारे हमारा क्या है, मैटर कहलाता है, ठीक है। चलिए, लाइट बल्ब वाला कह रहा हूँ, वो रोशनी वाला भी लाइट पर मत जाइए, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। चलिए, फिर कह रहे हैं ऑल मैटर आर द मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। कह रहे हैं कि भैया कुछ भी एनी मैटर वो कैसे बना होता है बताओ, बड़े बड़े पत्थर से बना होता है? नहीं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब मैं एग्जांपल के लिए लूँ, आप लोग स्कूल में, अभी तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना चल रहा है एंड मार्कर का चल रहा है, बट जब हम पढ़ाई करते थे तो जो हमारे सर हैं वो चौक से लिखते थे। चौक से जब लिखते थे ना, तो सर लिखते थे तो वो घिस कर उसके चौक जो होता है ना, बोर्ड के नीचे पड़ा होता था, और हम छू के देखते थे, अरे ये तो छोटे छोटे, तो वही छोटे छोटे पार्टिकल, पूरा चौक क्या है, एक चौक जो था वो एक मैटर था, और वो टूट कर छोटे छोटे बुकनी में आ गया। ये छोटे छोटे बुकनी क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं। क्या है पार्टिकल? कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर, वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता, छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। दिस पार्टिकल आर नोन एज द, हम उसी पार्टिकल को थोड़ा सा और पार्टिकल को और ब्रेक करेंगे तो वो किस में डिवाइड हो जाएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आयन में। ये थोड़ा सा मैं आगे क्लासों में बताऊंगा, तो अभी समझ जाओ, इस चैप्टर में मैं सिर्फ पार्टिकल्स यूज करूंगा। पार्टिकल्स समझ जाना कि भैया कोई भी वस्तु है ना, कोई भी एनीथिंग ऑब्जेक्ट मेक स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से बनता है। स्मॉल पार्टिकल यू नो, समझ गए होंगे, कुछ भी भाई, मैं क्या एग्जांपल लूँ, कुछ भी एग्जाम्पल, पत्थर ले लिया भाई, मैं पत्थर यहाँ रखा हुआ मान लो, ये जो पत्थर है यहीं पर एग्जांपल ले लिया, ये पत्थर छोटे छोटे पीस से बना है ना, वो जो छोटे छोटे पीस को ही क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। समझ में आ गया, जो मैं जो बना हूँ, मैं छोटे छोटे सेल से बना हूँ, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको पता चल गया होगा। मैटर क्या होता है फिर से बताता हूँ, मैटर किसे बोलते हैं, मैटर Anything which occupy space and has some mass is considered as matter. Example, me, you, chair, है ना, air, river, पानी, ये सारे क्या है बाबू बताइए, मैटर कहलाता है। और जो मैटर क्या चीज़ से बना होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से। All matter are made up ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, दीज पार्टिकल आर नॉन एज अ, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइटम मोलिक्यूल्स एंड आयन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आगे जाकर बताऊंगा, बट ये अब मान लो इस चैप्टर में मैं पार्टिकल यूज करने वाला हूँ। चलते आगे पढ़ते हैं, क्या है, और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ आपको, पिक्चर बनाकर, पिक्चर अपने माइंड में बना लेना, नहीं बन रहा है तो आप अपनी कॉपी में बनाकर इसको रख लीजिएगा, क्योंकि सब बेस इसी के ऊपर है। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब आपको ये चैप्टर 0/0 हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ पूरा आपको 100% फोकस से चीज़ ये समझना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग हल्का कर लेना। चलिए, उसके बाद कहना है, नोट क्या है, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड आइटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन। तो वही मैंने अभी बताया है भैया, कोई भी मैटर है वो कैसे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। और मैटर हमारे कितने मेटल होते हैं, 5, कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, बट पाँच में से अभी हम सिर्फ 3 के बारे में पढ़ेंगे, चौथा एंड पांचवा बाद में पढ़ेंगे, वो आपके सिलेबस में आ भी नहीं रहा है। चलिए जानते हैं भैया कि जो हमारे सॉलिड होता है, सॉलिड यू नो जानते होंगे, जो ठोस चीज़ है उसमें क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है ठोस हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो सारे चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है, ये पास में रहता है, पास में मतलब जुड़े रहते हैं, ज़्यादा इसमें गैप नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा गैप होता है। एंड गैस में क्या होता है, गैस में पार्टिकल्स क्या होता है, दूर दूर में रहता है। तो ये वाला पिक्चर समझ में आ गया, सॉलिड में ये पार्टिकल क्या है, बड़े पास में है, लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, थोड़े सॉलिड से थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर पर है, और गैस में
सॉलिड लिक्विड से भी ज़्यादा गैस में पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। मतलब कोई भी मैं पूछूंगा सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं, कहना है कि सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है, पास पास में रहता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर रहता है, और गैस में तो बहुत दूर दूर, दोनों में मतलब ये सब आपस में पास ही में भागते रहते हैं ना। चलिए तो समझ में आ गया कि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं और गैस में पार्टिकल्स। तो मैं आप बताना चाहता हूँ खासियत, किसका खासियत बताना चाहता हूँ मैं, खासियत बताना चाहता हूँ पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स जो है, जो कण है, छोटे छोटे कण, वो कैसा रिएक्ट करता है, इसका क्या क्या खासियत है, क्या बुराई है, सारी चीज़ हम बात करेंगे। पहला देखते हैं क्या लिखा हुआ है ए पार्ट में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द वेरी स्मॉल। कह रहे भैया जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे स्मॉल होता है, मैटर के वेरी स्मॉल पार्ट होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल क्या होता है, मैटर का सबसे छोटा कण होता है। बी देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। यहाँ पर बोला गया है कि भैया जो पार्टिकल्स होता है ना, सॉलिड हो, लिक्विड हो एंड गैस हो, तीनों में पार्टिकल क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, मूव होता रहेगा। आप कहोगे भैया ये पार्टिकल्स मूव कैसे होगा, सॉलिड में तो मूव होता नहीं है, लिक्विड में मूव हो सकता है, गैस में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये समझाइए। मतलब पार्टिकल्स मूव का मतलब क्या होता है, ठोस में पार्टिकल क्या होता है, मूव होता है, मतलब कंटिन्यूस क्या होता है, मूव होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, जैसे कि कम होता है, पार्टिकल्स मूव होता है ठोस में, कम होता है लिक्विड में होता है, और गैस में बहुत तेज़ी से मूव होता है। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, कोई वस्तु है, ब्लूटूथ ले लिया, और ब्लूटूथ आप देख सकते हैं, और ये ब्लूटूथ आप कहोगे ये सॉलिड है, यस या नो, सॉलिड है। अब बताइए इसमें पार्टिकल कहाँ मूव हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, बट मैं इसको बजाऊंगा तो देखो ये पार्टिकल क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट होता है। ठोस में क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देता है। फिर कहोगे भैया लिक्विड में पार्टिकल कंटिन्यूस कैसे मूव होता है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि आप एक गिलास ले लीजिए, गिलास के अंदर पानी भर लीजिए, देन उसके बाद एक इंक का बूंद डाल दीजिए, कोई भी कलर रखिए, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो कलर पूरे गिलास में कलर कर देगा। इससे ये मतलब क्या हो रहा है कि पानी का पार्टिकल्स क्या होता है, कंटिन्यूस मूव होता है, उसकी वजह से वो पूरा कलर पूरी गिलास में कलर कर दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि लिक्विड में भी पार्टिकल क्या होता है, मूव होता है। आपको गैस का पार्टिकल कैसे मूव होता है, यार कैसे होता है, आप देखो कभी कोई सेंट लगाकर आता है, परफ्यूम लगाकर आता है, मतलब तो गेट पर लगाओ और आप अंदर में रूम के अंदर हो, सामने कोने में हो, तो आप वो कोने में गेट के साइड में कोई मार रहा है परफ्यूम, वहाँ पर खड़ा होकर, तो आप घर के कोने में रहोगे तभी भी आपको परफ्यूम का क्या होगा, खुशबू, स्मेल आपको पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा गैस का पार्टिकल्स क्या होता है, वो मूव होता है, मूव होने की वजह से वो स्मेल आपके पास पहुंच पाया। वो पार्टिकल मूव नहीं होता तो वो सेंट जो गेट पर खड़ा होकर जो पर्सन मार रहा है वो हमारे पास तक नहीं आता, और हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पार्टिकल मतलब गैस का भी पार्टिकल क्या होता है, मूव होता है, बहुत तेज़ी से होता है। गैस सिलेंडर देखो, गैस सिलेंडर में क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी गैस लीक होता है, निकलता है, वो थोड़ी देर के बाद आपके रूम में क्या होता है, स्मेल क्रिएट करने लगता है, स्मेल आपको देने लगता है, वो क्या होता है, पार्टिकल बहुत तेज़ी से वो मूव होता है। चलिए तो ये बात समझ में आ गया, मैं ये चीज़ आगे भी बताऊंगा, ठीक है। सी देखते हैं, कह रहे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो भी मैटर है भाई, कोई भी मैटर है वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रखा है। सॉलिड में क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास में एक दूसरे को पकड़ के रखा होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा कम पकड़, मतलब हल्का हल्का पकड़ रखा है, और गैस में तो पकड़ ही नहीं रखा, कहता भैया तुम भागो भागो सब भागो। तो इसका ये मतलब है कि पार्टिकल्स क्या होता है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में क्या होता है, कम होता है, और गैस में तो होता ही नहीं, वो भागता ही रहता है, इसलिए बहुत जल्दी से हमारा गैस उसका स्मेल बहुत जल्दी रूम में फैल जाता है। और सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, दोनों पार्टिकल्स क्या होता है, जकड़ के पकड़ रखा, छोड़ते नहीं है ना, हम साथ साथ वाला सीन हो रखा है उसमें, किसमें भैया सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है,
छोड़ भी देता है पकड़, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता। देखो पानी में देखो ना, वो पार्टिकल होता है तो फिर पिघलता है, भागता ही नहीं, फ्लो ही नहीं होता। इसलिए पार्टिकल्स क्या होता है, हल्का सा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इन अ कंपेयर सॉलिड में, ठीक है। चलिए अब डी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम। कह रहा है कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, सब में क्या होता है, जल्दी से बताइए, गैप होता है, स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेस। आपको कोई एग्जांपल बताओ, स्पेस कैसे होता है यार। मैं मान लो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने रेत डाल दिया, रेत है ना, रेत यू नो जानते होंगे आप, और वो पूरा भरा हुआ है, बट मैं उसके अंदर आधा गिलास पानी डाल दिया, वो क्या हो गया, पानी को ऑब्जॉर्ब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, बिकॉज क्योंकि जो पार्टिकल में स्पेस होता है, इसलिए पानी को वो ऑब्जर्व कर पाया। एक और लिक्विड का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर मैंने पानी भर लिया, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी घोल रखा ऑलरेडी, फिर मैंने चम्मच और मैंने क्या कर दिया, नमक घोल दिया, वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भैया कोई चीज़ हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें क्या होता है, पार्टिकल में क्या स्पेस होता है, उसी की वजह से, इसीलिए दूसरा पार्टिकल उसमें जगह बना लेता है, बट कुछ टाइम के बाद वो जगह नहीं बना पाएगा। जैसे कि कोई एक गिलास है, उसमें तुम नमक डालते हो, जो एक ऐसा स्टेज आएगा, वो उसका जो पानी का जो पार्टिकल दूर दूर था ना, वो फुल चीनी भरी जा रहे हो, भरने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो पानी का पार्टिकल का जो स्पेस है वो भर जाएगा। भरने के बाद उसके बाद तुम दूसरा चीनी का ड्रॉप डालोगे तो जल्दी घुलेगा नहीं। देखते हो कुछ स्टेट में क्या होता है, घुलता ही नहीं है, फिर वो गाढ़ा हो जाता है, फिर और डालोगे तो वो एक सॉलिड बन जाएगा। तो ये सब तो बातचीत बताएंगे, तो मोटी मोटी समझ में आ गया प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का क्या क्या खासियत। पहला बताया था, क्या बताया था बताइए जल्दी से, कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मैटर का सबसे छोटा कण को ही क्या बोलते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं उसी को पार्टिकल बोलते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर द मूविंग कंटिन्यूसली, पार्टिकल क्या होता है, कंटिन्यू मूव होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। कह रहा है कि जब जो कण होता है, पार्टिकल्स होता है, वो एक दूसरे को क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड डी, हमारे पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ गैप और स्पेस बिटवीन दैम, और क्या होता है, पार्टिकल्स में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते भी हैं सॉलिड, तो आपको मैंने बता दिया सॉलिड किसे बोलते हैं, सॉलिड के बारे में तो मैंने बता दिया, जो ठोस चीज़ है, मजबूत चीज़ है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। बट आपको बोलने से तो नहीं होगा, आपको डेफिनेशन देना होता है एग्ज़ाम में। तो आपको कैसे देना है, कैसे एग्ज़ाम्पल होगा, कैसे आपको बताना होगा, कैसे लिख कर आना होगा, मैं बताता हूँ। तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, एक सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं एंड गैस होते हैं। तो सबसे पहले मैटर का जो स्टेट है, पहला सॉलिड, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैटर हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम आर कंसीडर एज अ सॉलिड, फॉर एग्जांपल स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस एक्सेट्रा। तो बोला कि मैटर उसे बोलते हैं जिसका फिक्स शेप होता है एंड उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। फिक्स शेप, यार देखो यह चेयर है, चेयर का फिक्स शेप है कि नहीं है, वो उसका कुछ वॉल्यूम है कि नहीं, वो जगह, मतलब वॉल्यूम का मतलब उसका कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम यू नो समझ में आ गया, उसका कुछ जगह है कि नहीं जगह है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मतलब जिसका फिक्स शेप है और कुछ उसका वॉल्यूम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। पत्थर यहाँ रखा हुआ तो मैं समझाने के लिए, तो देखो ये इसका फिक्स शेप है कि नहीं है, यस या नो, फिक्स शेप है, यस या नो, एक स्टोन है, फिक्स शेप है, इसका कुछ वॉल्यूम है कि नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। जो सॉलिड का क्या क्या खासियत है, तो पहला क्या भैया, फिक्स वॉल्यूम, मतलब फिक्स वॉल्यूम है इसका भैया, ये नहीं कि भाई यहाँ फिक्स वॉल्यूम का मतलब ये जो स्टोन में लिया हूँ अभी आधा घंटा के बाद 1 kg का तो 1 kg का रहेगा, दो थोड़ा देर में दो जितने उसको छेरा छोरी नहीं करूँगा, मतलब उसको कुछ उंगली नहीं करोगे तुम, 2 घंटे के बाद भी देखोगे तो जैसा का तैसा ही रहेगा। कह रहा फिक्स शेप का मतलब कि भैया वो गोल है तो गोल ही रहेगा, 10 घंटे के बाद देखो तो वो गोल ही रहेगा, और करोड़ों साल के बाद देखो तो गोल ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक उस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका ना उसमें वॉल्यूम में कुछ डिफरेंट होगा, ना उसका शेप चेंज होगा। फिर कह रहा है कान फ्लोस हेंस, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो हमारा सॉलिड चीज़ होता है वो कभी फ्लो नहीं करता, या मैं पत्थर रख दिया, ये यहाँ पर पत्थर रख दिया, ये फ्लो होगा क्या, ये बहने लगेगा क्या, नहीं, तुम चेयर रख दिए, तो चेयर क्या वो बहने लगेगा क्या,
नहीं बहने लगेगा ना, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो बहता नहीं है और उसको हम रिजिड कहते, क्या रिजिड बोल देते हैं, कांट भी कंप्रेस, उसको तुम दबा नहीं सकते। अभी मैं स्टोन लाया था, पत्थर लाया था, उसको तुम दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। तो ये सॉलिड वाले को हम दबा भी नहीं सकते। करें हैज़ हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें हाई डेंसिटी होता है, ये ज़्यादा कठोरता होता है। जैसे रूई में क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, जैसे नो कम होता है। अब मैं मान लो एक केजी, एक मैंने कहीं सुना भी था इंस्टाग्राम या कहीं पर मैं सुना था, एक डायलॉग है कि एक गर्ल से पूछ रहे थे का बाट जो होता है वेट करने वाला वो वजन होगा कि एक केजी रूई भारी होगा, तो उसने बोला कि पत्थर। अरे भैया दोनों तो एक ही जैसा है, मतलब वेट तो दोनों का सेम है, बट डेंसिटी अलग है। ये स्ट्रॉ, ये थोड़ा सा डेंसिटी इसमें क्या होता है, जो कठोरता है ज़्यादा, किसमें, पत्थर में, बट इसमें जो रूई में होता है उसमें डेंसिटी क्या है। अब मैं दोनों को तुम्हारे मुंह पर मारूंगा तो किससे ज़्यादा चोट लगेगा बताओ जल्दी से, पत्थर से लगेगा, तुम्हारे खून निकल जाएगा। बट वही एक केजी रूई से मैं तुम्हें मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्यों, उसका डेंसिटी कम है। समझ में आ रहा है डेंसिटी किसे बोलते हैं। कह रहे हैं कांट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, और यहाँ पर बताता चलूँ जो सॉलिड है उसको कम्प्लीटली आप भर भी नहीं सकते। मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स में मैंने रेत भरा, रेत पूरा तो आपको लग रहा होगा फुल है, बट उसके अंदर मैंने पानी डाला तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर पाया, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी भी सॉलिड को हम अच्छे से भर नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो मैं ऑलरेडी इसमें पढ़ा रखा था, फिर से पढ़ाता हूँ कि लिक्विड क्या होता है। लिक्विड मैटर हैविंग फिक्स वॉल्यूम बट इनफाइनाइट शेप आर कॉल्ड लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम का भैया ये जो पानी पानी रहेगा ना, जो मिल्क है मिल्क रहेगा ना, ऑयल, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मतलब वॉल्यूम है बट फिक्स शेप नहीं है। फिक्स शेप का मतलब क्या नहीं है, देखो पानी है, पानी तुम बोतल में डालोगे तो बोतल आकार का हो जाएगा, पानी को आप बोतल में डालोगे तो बोतल के जैसा होगा, गिलास में डालोगे तो गिलास के जैसा होगा, और उस डब्बे में, किसी डब्बे में डाल दोगे तो पानी कैसे आकार का हो जाएगा, किस शेप का हो जाएगा, डब्बे के आकार का शेप का हो जाएगा। इसलिए उसका तो फिक्स वॉल्यूम है, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है बट उसका उसका इनफाइनाइट शेप है, शेप जैसा रखोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, उसका आप लिक्विड का खासियत देखते हैं क्या क्या है। पहला कि फिक्स वॉल्यूम होता है, नो डिफाइंड शेप, कोई डिफाइंड शेप नहीं होता। फिर कह रहा है कैन फ्लो, वो क्या करता है, फ्लो करता है, हिंस उन्होंने इसको हम फ्लूइड्स कहते हैं, मतलब जो फ्लूइड बहता है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फिर कह रहा है कांट बी कंप्रेस मच, और हम पानी को, मतलब कोई भी लिक्विड चीज को हम ज़्यादा करेंगे कंप्रेस तो कर लेंगे बट हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, कह रहे कि डेंसिटी क्या होता है, मतलब जो कठोरता जो होता है ना वो कम होता है, सॉलिड से कम होता है। अब मान लो पानी है और मैं एक पत्थर ले लिया, अब बता दोनों ज़्यादा मजबूत कौन है भैया। मैंने पानी लिया, मान लो पिन्नी में पानी ले रखा हूँ और वही पत्थर को मैं पिन्नी में ले रखा हूँ, बता दोनों को मुँह पर ऐसे डालूंगा मुँह पर, बताओ किस में ज़्यादा चोट लगेगा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, आप कहोगे भैया सॉलिड से लगेगा, तो मतलब सॉलिड से इसलिए लग रहा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड का कम है। पानी तो मारोगे तो पानी क्या होगा, यूं हो जाएगा, बट पत्थर होंगे तो सीधा मुंह पे लगेगा, चोट लगेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। चलिए, तो फिर कह रहे कांट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, फिर यही काम है कि इसको भी हम फुल्ली, मतलब कांट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, हम पूरे तरह से इसको कोई कंटेनर में अच्छे से भर नहीं सकते, क्योंकि आप बोतल में लिए आपको तो लगेगा कि भैया मैंने बोतल में पानी भर दिया, बट उसके अंदर तुम नमक भी डालोगे तो नमक भी उसमें फुल हो जाएगा, पानी ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पता है ना कि हमारा कोई भी मैटर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स में क्या होता है, गैप होता है, गैप को फुल अप करने के लिए दूसरा चीज़ उसमें डालोगे, है ना, वो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, उसको स्पेस को कवर कर लेगा, इसलिए वो चीज़ खाली रहता है, खाली को भर देता है। तो इसलिए हम कंप्लीटली कोई भी चीज़ को, लिक्विड चीज़ को हम फुल्ली भर नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसमें स्पेस होता है। अब हमारे पास गैस आ गया, गैस के बारे में जानते हैं भैया, गैस क्या होता है, गैस यू नो आपको पता होना चाहिए, गैस मैटर विच हैव इनफाइनाइट शेप, अरे इनफाइनाइट शेप, शेप ही नहीं होता, एंड इनफाइनाइट वॉल्यूम आर कॉल्ड गैस। भाई तुम गैस को तुम देख पा रहे हो, कोई गैस है तुम, अब हवा है, ये हवा तो है, एयर है, एयर को तुम देख पा रहे हो क्या, इसका कुछ वॉल्यूम है क्या, नहीं है। ठीक है, उतना शेप है और उसी को हम क्या बोलते हैं, गैसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, एंड वाटर वेपर हो गया जैसे हवा में उड़ता है, उसका कुछ वॉल्यूम है क्या, नहीं है, कुछ का उसका शेप है क्या, नहीं। तुम परफ्यूम मारोगे
तो भैया रूम में मारोगे तो रूम में फैल जाएगा, एंड तुम कहीं बोतल में डालोगे बोतल का अंदर पूरा हिस्सा रहेगा। तो मतलब ये पर कोई लिमिट नहीं है इसका, यहाँ मारोगे बाहर बाहर भाग जाएगा, कोई कहीं रख दोगे मतलब एक डब्बा है उसके अंदर परफ्यूम मारोगे कहो भाई तू यहीं रहेगा, बट कुछ टाइम में भाई पूरा फैल जाएगा, मतलब उसका कोई सेफ ही नहीं है। बट पानी को तुम रखोगे तो पानी जैसा का तैसा रहेगा, मतलब बोतल में डालोगे तो बोतल में रहेगा, बट तुम बोतल में गैस डाल दिए तो गैस क्या बोतल में कुछ रहेगा और कुछ उड़ने लगेगा। तो इसका मतलब क्या, उसका कोई वॉल्यूम भी है ना कुछ सेप है, ठीक है। उसका खासियत देखते हैं, नो फिक्स वॉल्यूम, जो डेफिनेशन था वही उसी में से उतार लिया, नो फिक्स वॉल्यूम नो फिक्स सेप, कोई सेप नहीं होता, कोई उसका वॉल्यूम नहीं होता है। कैन फ्लो हेंस नोन एज फ्लूइड, कह रहे हैं कि भैया जो गैस है बहुत तेज़ी से क्या होता है फ्लो करता है, उसी को हम फ्लूइड बोलते हैं। कैन बी कंप्रेस, उसको हम बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं, देखते सीएनजी भी कंप्रेस होता है ना, तो वो कंप्रेस करके उसमें फिलअप किया जाता है मतलब गैस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। और लीस्ट डेंसिटी, इसमें बहुत कम डेंसिटी होता है, बहुत अब मैं तुम्हें गैस से मुंह पर मार दूँ, मतलब गैस वो गैस सिलेंडर से नहीं गैस से ये हवा से तुम्हें मारूंगा, चोट लगेगा, मैं ऐसे फूंक मार के तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, तुम्हें चोट लगेगा नहीं मारेगा। फिर एग्जांपल पत्थर से मारूंगा लगेगा, ठीक है, पानी से मारूंगा तो भैया पत्थर से कम लगेगा, बट मैं हवा से तुम्हें मारने की कोशिश मतलब फूंक मारूं ऐसे करके मारूंगा तो क्या होगा बताइए, चोट नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा असर होगा कि आ रहा है, मतलब बहुत लो डेंसिटी होता है, ठीक है, महसूस तो होगा। कैन फिल ईच कंटेनर कंप्लीट, और उसको तुम अच्छे से भर सकते हो। एग्जांपल के लिए ये वाला मुझे अच्छा लगा कि आप देखो पूछना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक खाली कि फिल इन द कंटेनर कम्प्लीटली, अब मैं पूछना चाहता हूँ ये डब्बा खाली है कि नहीं खाली है बताओ, इसमें कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, देख कुछ नहीं है, आप कहोगे ये तो खाली है, बट रियलिटी में बताऊँ इसके अंदर ये भरा हुआ है, क्या चीज़ से भरा हुआ है, एयर से भरा हुआ है, ये क्या बोल दिए। मम्मी पूछेगी, मम्मी कहती ना बेटा जा गिलास लेकर आओ, मम्मी कहती ना जा बेटा खाली गिलास ले आओ, मम्मी कहना मम्मी खाली गिलास नहीं होता उसके अंदर, आपको पता है वो चप्पल आएगा तुम्हारे डायरेक्ट खा लेना, बट मम्मी को कहना मम्मी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, जो भी चीज़ खाली होता है उसके अंदर वो पूरा खाली नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है एयर होता है, क्या होता है एयर भरा होता है। मम्मी कहती खाली बैग लेकर आओ, तो आप लिया आना, मम्मी कह रहे मम्मी खाली बैग नहीं है उसके अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है एयर भरा हुआ है, मतलब एयर भरा हुआ रहता है इसलिए गैस है ना भरा रहता है, कोई चीज़ हो कोई बोतल खाली चीज़ तो खाली नहीं बोलना, उसमें क्या भरा रहता है बाबू बताइए जल्दी से, बहुत अच्छे आप बता पा रहे हैं, क्या रहता है गैस रहता है, तो इसलिए हम हर चीज़ अच्छे से भर पाते हैं, किससे भैया कंप्लीटली भरा रहता है हमारा कंटेनर गैस से। तो आपको पता चल गया गैस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है एंड लिक्विड क्या होता है, सॉलिड पड़ा लिक्विड पड़ा एंड गैस पड़ा, ठीक है, सबका डिफिनेशन आपको पता होना। तो ये आपके पास है वन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन मैंने कर रखा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के आधार पर सॉलिड में क्या डिफरेंट है, लिक्विड में क्या डिफरेंट है एंड गैस में क्या डिफरेंट है, तो इसको आपको समझना है और ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं भैया किसके आधार पर पार्टिकल्स, और पार्टिकल बताए सॉलिड में पार्टिकल कैसा होता है, लिक्विड में पार्टिकल क्या होता है दूर दूर होता है, गैस में पार्टिकल क्या होता है बहुत दूर दूर होता है, उसी के आधार पर हम करने वाले। पहला पॉइंट है फोर्स अट्रैक्शन मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, यहाँ पर बोला गया है कि सॉलिड होता है ना, सॉलिड के पार्टिकल क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और लिक्विड में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन, सॉलिड से क्या होता है कम होता है, और इसमें क्या होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब गैस में पार्टिकल का क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत मतलब भागता रहता है, ये उतना अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, सेम एज इट इज़। सेकेंड द मिनिमम और नो स्पेस बिटवीन, बताया जा रहा है कि इसमें पार्टिकल में स्पेस होता भी कहीं कहीं पर और कहीं पर नहीं होता। एग्जांपल के लिए मैं मिट्टी ले लेता हूँ, मिट्टी भी एक सॉलिड है, उसमें पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, बट वहीं पर मैंने एक शीशा ले लेता हूँ, ठीक है, अब शीशा के अंदर मैं पानी डालूंगा, पानी डालने पर ये पानी को अब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं, मतलब कहीं कहीं पर पार्टिकल में स्पेस होता है और कहीं कहीं पर स्पेस नहीं होता। बट लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा जगह होता है मतलब स्पेस होता है पार्टिकल्स में, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम, इसमें तो इस मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल मतलब गैस में पार्टिकल का स्पेस क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हवा है, हवा के अंदर हम हाथ घुमा पा रहे हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्टिकल स्पेस बहुत सारा है, मतलब पार्टिकल में स्पेस बहुत सारा है इसलिए हम हाथ मूव कर पाते हैं, और हाथ और क्यों मूव कर पाते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है, ठीक है।
चलिए थर्ड क्या, मिनिमम मोमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा ठोस सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल क्या होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ पार्टिकल। मिनिमम का मतलब बहुत कम क्या होता है, मोमेंट होता है। बट वही लिक्विड में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल मूव मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा मोमेंट होता है किसमें भैया, लिक्विड में। बट वही गैस में पार्टिकल क्या होता है, मूव मैक्सिमम करता है, क्या मैक्सिमम मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किस गैस में पार्टिकल क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंट करता है, ठीक है। लास्ट है हमारा, लास्ट देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा तेज मूव होता है, कोई भी जो पार्टिकल जो जल्दी तेजी चलता है उसमें ज़्यादा होता है, जो कम चलता है। अब मुझे पता है सॉलिड में कंटिन्यू पार्टिकल क्या मूव नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा मूव नहीं होता, इसलिए इसमें क्या होता है, कम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप चल रहा है, मैं जो चल रहा हूँ, मैं हाथ घुमा रहा हूँ, तो ये हाथ क्यों घूम रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जो पंखा घूम रहा है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जो चीज़ आपका नाच रहा है, जो चल रहा है, उसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड में कौन सा काइनेटिक एनर्जी तो है, बट ज़्यादा होता है कि कम होता है, ज़्यादा मूव होता है कि कम होता है, ज़्यादा होता है या कम, बिल्कुल पार्टिकल मूव ही कम होता है, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, थोड़ा सा होगा। इसमें लिक्विड में क्या होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या होता है, मूव होता है, और इसलिए जो मूव होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, बट सॉलिड से ज़्यादा होता है। गैस में मैक्सिमम होता है क्योंकि ये भागता है, इधर उधर भागता है। तो ये क्या समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो ये क्लास कैसा लगा, इस सेम एज इट इज़ में आपको पार्ट टू लाने वाला, उसमें हम कन्वर्जन के बारे में जानेंगे कि भैया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, क्या प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, सारे चीज हम जानने वाले हैं। और मैंने बताया भी था आपको कि दो एक्स्ट्रा स्टेट होता है मैटर का, तीन स्टेट हमने पढ़ लिया, चौथा एंड पांचवा हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं, और ये विथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको कैसा लगा और आप चाहते हो कि ऐसा ही और मैं वीडियो बनाऊं, तो आप बस कमेंट कहिए कि भैया और ऐसी वीडियो बनाइए, डेफिनेटली टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग।